अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला के बारे में, जिसे इंग्लिश में विर्गो कहते हैं। बुर्ज सुंबला का सैयारा अतारिद है, और वो लोग जो 24 अगस्त से 23 सितंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका बुर्ज जो है वो सुंबला या विर्गो होता है। और वो लोग जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त याद नहीं है, मालूम नहीं, तो उन वो लोग जिनके नाम के हरूफ पे या गैन से शुरू होते हैं, उनका बुर्ज भी है वो सुंबला ही कहलाता है। सुंबला का जो रंग है ये गहरा जर्द पीला है, और ये इसका जो अंसर है इसे खाकी कहा जाता है। और इसके जो बेहतरीन शरीक हयात हैं वो जद्दी और सौर हैं, और ना मुआफिक साथी जो हैं वो कौस है, हूत है और जोजा है। दिन जो है बुध का मंसूब है बुर्ज सुंबला से, और अदद 5। अब नया साल 2021 बुर्ज सुंबला के लिए कैसा होगा वो मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूँ, और जब मैं तारीखें बताऊँगा इन्हें ज़रा एहतियात से सुनिएगा ताकि आपको याद रहें और आप अच्छी तारीखों से फ़ायदा उठा सकें। 2021 जो है 2020 के मुकाबले में बुर्ज सुंबला के लिए अच्छा साल है। सैयारा मुश्तरी और जहल जो है इस साल बेहतर पोजीशन में रहते हुए आपके खानगी, प्रॉपर्टी, औलाद, सेहत, मुलाजमत और अजदवाजी मामलात में बेहतरी का बाइस जो है वो बन रहे हैं। 8वें घर का हाकिम मरीख इस साल अबूद और ऊज दोनों तरह के मामला से गुजरते हुए आपकी ज़िंदगी पर खासे अहम असरात मुरतब करेगा। और दीगर सियारगान में जहरा है, अतारिद है और शम्मस है, और इस साल होने वाले 2 कमरी और 2 शमसी जो ग्रहण है, यानी चांद और सूरज के 2-2 ग्रहण होंगे, कुल 4 ग्रहण होंगे, ये भी आपकी शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब करेंगे। आप एक हसास और बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। आपका सैयारा तारद एक तेज़ रफ्तार सैयारा होने की वजह से आपके मिजाज पर मुस्बत और मनफी असरात बड़ी तेज़ी से मुरतब करता है। इस साल 16 मार्च ता 14 अप्रैल, 19 अप्रैल ता 4 मई, फिर 30 अगस्त से 6 नवंबर और 24 नवंबर से 13 दिसंबर का जो दौरानिया है, इंतहाई एहतियात का मुतकाजी है। एहतियात बरतें, हर काम में एहतियात बरतें। इन अय्याम में अपनी जो समाजी मसरूफियात हैं, लोगों से मिलना जुलना है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अहबाब से महफिल में जाना जो है वो कदरें कम कर दें, और गुफ्तगू में मुहतात रवैया अख्तियार करें। कोई सियासी बहस ना करें, कोई मजहबी बहस ना करें जिससे किसी की दिल आजारी हो, इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अब जो आपके लिए अच्छी तारीखें हैं मैं आपको बताता हूँ, 4 से 19 अप्रैल, और उसके बाद 4 मई से 30 अगस्त, फिर 6 से 24 नवंबर आपका सैयारा जो बेहतर पोजीशन में रहते हुए आपके वक़ार को बुलंद और आपकी मकबूलियत में, शोहरत में, इज्जत में इजाफे का बाइस बन रहा है। इस दौरान आप जो है अपनी समाजी मसरूफियात जो है, मिलना जुलना जो है, भरपूर तरीके से दोस्तों अजीजों से आप मिल सकते हैं। जहाँ तक माली पोजीशन का ताल्लुक है, इस साल आपको कदरे मिली जुली माली पोजीशन का सामना रहेगा। आगाज साल से यानी 1 जनवरी से 21 मार्च माली पोजीशन आपकी खासी मुस्तहकम रहेगी, अच्छे पैसे आते रहेंगे। इसके अलावा 14 अप्रैल से 22 जुलाई और फिर 16 अगस्त से 11 सितंबर भी माली पोजीशन बेहतर रहेगी, जबकि 21 मार्च से 14 अप्रैल और बिलखसूस 22 जुलाई से 15 अगस्त, 11 सितंबर से 5 नवंबर आपके अखराजात को जो है आप कंट्रोल करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है इन तारीखों में आपके अखराजात ज़्यादा हैं और आमदन आपकी कम है। ज़ाहिर है अगर आमदन कम होगी आपको माली मुश्किलात होंगी, इसलिए इन तारीखों में एहतियात करें। और इस साल आपके जो हैं समाजी ताल्लुकात में मुतात रहें, मैं पहले ही बताया, आगाज़ साल से 14 अप्रैल बिलुमूम और 23 अप्रैल तक 11 जून बिलखसूस आप अपने अजीज़ वकारी बहन भाइयों और उनसे भी आपकी कुछ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती है, इसलिए मुतात रहें। सफ़र से भी ग्रेज़ करें इन तारीखों में, और अगर सफ़र करना ज़रूरी हो गया तो कोशिश करें सदका वगैरह दे लें कोई। 11 जून के बाद आपको जो हालात हैं बेहतर करने का मौका मिलेगा अजीज़ वकारब के साथ, आपके सफ़र के जो है दरवाज़े भी खुल जाएंगे, और अगर आप तालीब इलम हैं तो आपको बहुत सी तालीमी कामयाबियाँ भी मिलेंगी। अगर आपने कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया या आपके पेपर्स हैं या पेपर्स होने वाले हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी।
जहाँ तक कोई नई गाड़ी घर जैसे मामलात का ताल्लुक है, तो सियारा मुश्तरी जो है तमाम साल बेहतर पोजीशन में रहते हुए आप पे कुछ मुश्किल हालात उसके पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके जो घर के हवाले से आपकी देरीना ख्वाहिश है, अगर आपको शिफ्टिंग कर रहे हैं कहीं, चाहे वो किराए के घर हो, चाहे वो अपना कोई आप घर ख़रीदना चाह रहे हो, आप कोई गाड़ी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हो, मोटरसाइकिल ख़रीदना चाह रहे हो, यानी सवारी आप या घर जो रिहाइश है, तो उसको आपको मौके जो हैं इसमें जायचे में नज़र आ रहे हैं, तो आपको काफ़ी मौके मिलेंगे। आपके अपनी फैमिली से खुसूसन वालदैन से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, घर का माहौल भी आपका पुरसकून रहेगा। और लेकिन जो 20 जून से 18 अक्टूबर का जो है, क्योंकि रिजत मुश्तरी है, ये जो है प्रॉपर्टी सवारी की खरीद व फरोख्त में कदर ताखीर का शिकार हो कर सकता है। बहरहाल इस दौरान जो है यानी 20 जून से 18 अक्टूबर कुछ आपको ताखीर होगी, लेकिन इसके बाद हालात फिर आपके हक़ में बेहतर हो जाएंगे। इस साल आपके पाँचवें घर का हाकिम छठे घर क्याम पजीर होगा और आपको तालीमी मैदान में कुछ मुश्किलात और परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि जहल में जो है अपने ही बुर्ज पर मुकीम है, मगर इसके छठे घर जो मौजूदगी आपके लिए रुकावटों का बाइस होगी। अगर जिन लोगों की शादी है या मंगनी वो करना चाह रहे हैं, तो इसके इम्कानात 50-50 हैं। आप कुछ बंदिश भी हो सकती है, लेकिन इम्कानात 50% ही नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है या आपकी मुलाजमत की बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका हाकिम जहल छठे घर अपने घर में आ जाने से आपकी सेहत में बेहतरी आ रही है। अगर आप गुज़िश्ता साल किसी बीमारी का मुश्किल का शिकार थे, तो अब वो इस साल वो बीमारी से निजात मिल जाएगी, आपकी सेहत मजमू तौर पर बेहतर रहेगी। अलबत्ता कुछ तारीखें जो नज़र आ रही हैं वो ये है कि 20 जनवरी से 19 फरवरी छठे शमस की मौजूदगी जो इसमें आपकी सेहत कुछ मुतासिर हो सकती है और आपकी मुलाजमत कुछ मुतासिर हो सकती है, इस दौरान आप मोहतात रहें। इसके बाद 23 मई से 11 अक्टूबर जो है वो उस पर भी आपको कोई हल्के फुल्के सेहत के मसाइल, नज़ला ज़ुकाम जो भी होता है वो पेश हो, मौसम जो कि बदल रहा होता है तो उसमें बस एहतियात की ज़रूरत है। और जो जॉब का है उसमें भी थोड़ा सा आपको माफ़ कीजिए एहतियात करने की ज़रूरत है। मुलाजमत की तब्दीली कोशिश करें ना करें, ये वक्त बेहतर नहीं है मुलाजमत की तब्दीली के लिए। जहल के छठे जो मजबूत पोजीशन है जहां आपके लिए बेहतरीन पायदार जॉब को अच्छा मुमकिन बना रही है, वो दूसरी तरफ आपके मुखालफीन को भी मजबूत कर रही है, इसलिए मुतात रहना ही बेहतर है मुलाजमत के हवाले से। अगर आप कोई इदारा चला रहे हैं, आपकी अपनी कंपनी या कारोबार है, तो अपने मुलाजमीन पर भी नज़र रखें, उनसे भी ज़रा होशियार रहें, अपने पार्टनर्स पर से भी होशियार रहें। और अगर आप कहीं मुलाजिम में ख़ुद जॉब कर रहे हैं, तो ज़ाहिर अपने अफसरों का ख्याल रखें, कोई ऐसी बात ना, कोई बहस ना करें गैर ज़रूरी, और किसी को चैलेंज ना करें, कोशिश करें तवज्जो से काम पर रखें अपनी। जहाँ तक शादी इज़दवाजी और ताल्लुकात की बात है, हाकिम सियारा मिस्त्री दिसंबर 2020 से जायचे के छठे घर आ जाने से शरीक हयात के साथ कदरे मुखालफाना रवैये का सामना रहेगा, इस तरह आपके शराकती इज़दवाजी ताल्लुकात ख़राब रहेंगे। दूसरी तरफ 16 मार्च तक 4 अतारत के सातवें बहालत अबूद मौजूदगी आपके ताल्लुकात को अजहद ख़राब कर सकती है, आपको बेहद मुहतात रहना होगा वरना माबैन अलहदगी हो सकती है। ज़ाहिर है ये उन लोगों के लिए है जो शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ये आपके लिए नहीं है इतना है। 14 मई को मुश्तरी के जो सातवें अपने घर आ जाने से हालात में बेहतरी आएगी, यानी जिन तारीखों में शुरू में मार्च अप्रैल में कुछ मुश्किल है, तो 14 मई के बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए परेशानी ना हो और जो मुश्किल है उसमें बहस मुबास ना करें गैर ज़रूरी तौर पर, एक दूसरे को तंग ना करें, परेशान ना करें, तो ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर जो नज़र आ रहा है 28 जुलाई तक 23 दिसंबर मुश्तरी एक बार फिर छठे क्याम घर में क्याम पजी रहेगा और आपके ताल्लुकात फिर कशीदा हो जाएंगे, लेकिन फिर आप फिर एहतियात करें, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। आगाज़ साल में जो विरासत या मुश्तरक माली मामलात हैं पार्टनरशिप की किया जा सकता है, तो आगाज़ साल में 7 जनवरी तक 4 मार्च बिलउमूम और 30 अप्रैल तक 11 जून बिलखसूस आपके विरासती और मुश्तरक माली मामलात बावजह मरीख जो है वो ख़राब रहेंगे, आपको माली खसारा भी हो सकता है,
11 जून तक 15 सितंबर हालात बेहतर रहेंगे। इस दौरान आपके विरासती मामलात हल होने के कभी इम्कान आते हैं। शराकतदारी में माली मुनाफे का असूल मुमकिन होगा। 15 सितंबर तक 30 अक्टूबर का दौरानिया भी कदरे एहतियात का मुतकाजी है, यानी एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत से दोस्त हज उमरा व ज़ियारात के बारे में पूछते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस साल जो है आपको बैरून मुल्क सफ़र के कई मौके मिलेंगे 2021 में बुरसुमला वालों को, मगर दुरुस्त वक्त का इंतखाब ज़रूरी होगा। आगाज़ साल में यानी आप यकुम जनवरी से 25 फरवरी उस और उसके बाद 21 मार्च तक, फिर 14 अप्रैल से 22 जुलाई, फिर 16 अगस्त से 11 सितंबर, ये वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए बेहतरीन वक्त होंगे। खां आप हज के लिए जाना चाहते हैं, उम्रे के लिए या ज़ियारात के लिए, या आला तालीम जो तलबा स्टूडेंट जो है बैरून मुल्क दाखिला लेना चाहते हैं या कोई विजिट वीज़े पे जाना चाहता है, तो उसके लिए भी यही वक्त जो है बेहतर होगा, जो मैंने पहले अभी तारीख आपको बताई है। जब आपका रूहानी सफ़र तरक्की की जानिब इन तारीखों में होगा, आप कामयाबी हासिल करेंगे। जबकि जो मुवाफिक की नहीं है, कोशिश करें इन तारीखों में अप्लाई ना करें। वो मैं अब आपको बताता हूँ कौन सी तारीख आपके लिए मुवाफिक नहीं है वीज़े के लिए। वो है 21 मार्च तक 14 अप्रैल, 22 जुलाई से 16 अगस्त खासकर, और फिर 11 सितंबर से 5 नवंबर, ये मुवाफिक नहीं है आपके वीज़े के लिए। जहाँ तक आपके कैरियर और रोज़गार का है, तो सैयारा तारत एक तेज़ रफ्तार सैयारा है, हम जानते हैं। एक साल में तमाम 12 बुरूज की सयाहत कर लेता, घूम जाता 12 बुरूज में, तो इस दौरान मुख्तलिफ कैफियात होती हैं। बाद का एकदम बहुत बेहतर सूरत हाल हो जाती है। आपने देखा होगा कि अक्सर आपके साथ होता है एकदम बहुत मुस्बत सूरत हाल आपके कैरियर के लिए, रोज़गार के लिए होती है, आपके बिजनेस में होती है, लेकिन एकदम ही मनफी सूरत हाल जो है हो जाती है। तो ये वजह उसकी यही है कि आपका जो इसका सियारा तारद है वो तेज़ रफ्तार है, और 12 ब्रूज साल एक साल में 12 ब्रूज जो हैं उनकी वो सैर करता है, तो जाहिर है फिर उसके असरात उसी तरह आप पे भी पड़ते हैं। तो इसीलिए सारा साल आप पे मुस्बत और मुस्बत असरात रहेंगे। कोशिश करें जो भी फैसला करें सोच समझ कर करें, और जो आपके लिए बेहतर है नए कारोबार अगर करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 4 से 19 अप्रैल, 4 मई से 30 अगस्त, उसके बाद 6 से 24 नवंबर, ये नए कारोबार या कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पुराने कारोबार को दोबारा से नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, ये तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इन तारीखों के अलावा कोशिश करें आप इन्वेस्टमेंट ना करें। 12 बुरूज में से आप वो खुशकिस्मत इंसान हैं जिनकी खुशबख्ती का सैयारा कम, जो हर माह शर्फ याब होता है, ये भी बड़ी अच्छी आपके बुरज की एक निशानी है कि आपका जो सैयारा है वो मुसलसल आपके लिए अच्छी और आपकी ख्वाहिशात जो है उनको पूरा करने का बायस बनता है। इसके अलावा हर साल बादशाह फल जो शम्स जो है वो 21 जून से 22 जुलाई आपके लिए खुशखबरियां लेकर आता है, यानी जो है 21 जून से 22 जुलाई आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें आपको कई कामयाबियाँ खुशखबरियाँ मिलेंगी। मतलब जाहिर है जैसे हर दिन के साथ रात भी है, अच्छे बुरे भी आते हैं, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है, और जब हर महीने के कमर दर अकरब होती है या जो चांद ग्रहण सूरज ग्रहण आएंगे उसमें कोशिश करें 2 किलो टोटा चावल या दूध का सदका जो है वो आप दे लें, इससे आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अगर इमिग्रेशन के लिए आप करना चाहते हैं अप्लाई, बैरून मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए 20 मार्च से 20 अप्रैल, फिर 21 से अगस्त से 23 अगस्त, फिर 22 नवंबर से 21 नवंबर दिसंबर सॉरी 22 नवंबर से 21 दिसंबर जो है ये बेहतरीन औकात हैं आपके लिए। इसमें इमिग्रेशन का असूल आपके लिए मुमकिन होगा, आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी अगर इन तारीखों में आप अप्लाई करेंगे। जबकि यकुम जनवरी से 19 मार्च, 21 मई से 21 जून, 22 जुलाई से 23 अगस्त, बिलमूम 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के दौरानिया है बिलखुस आपके लिए बेहतर ना होगा। इस दौरान इमिग्रेशन अप्लाई करने से ग्रेज करें ना करें बेहतर है। पहले से मुकीम जो पाकिस्तानियों के लिए भी जो है जो खासकर अरब मालिक में काम करें या उनके लिए भी थोड़ा सा ये होगा, इन तारीखों में वो एहतियात करें ममालिक में, वरना उनकी वापसी हो सकती है। इस साल दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था 4 ग्रहण हैं, अब वो ये 4 ग्रहण जो हैं ये तमाम
जितने भी बुर्ज हैं उन सब के लिए, क्योंकि पूरे साल 2021 में ये चार ग्रहण होंगे। इनमें दो जो हैं वो चांद ग्रहण हैं और दो जो हैं वो सूरज ग्रहण हैं। अब ये होता है कि अब इसमें आपके लिए फ़ायदा भी होता है और कुछ परेशानी भी होती है, लेकिन आपके लिए क्योंकि आपका लिए ये साफ जिस तरह मैंने मुख्तलिफ तारीखें आपको बताई हैं बहुत बेहतर साबित हो रहा है आपके कारोबार के लिए, मुलाजमत के लिए, इमिग्रेशन के लिए, कामयाबी के लिए, आपकी इज्जत और शोहरत में भी इजाफा हो रहा है। तो ये बस जो तारीखें मैंने बताई हैं, कोशिश करें इन तारीखों में जो नया काम शुरू करना वो करें, और जिन तारीखों का मैंने बताया है मोहतात रहने की उनमें एहतियात करें, और कोशिश करें कोई नया काम ना शुरू हो, कि दोस्तों से फजूल बहस ना करें अजीज़ व अकारब के साथ, मनाज़ाय तल्ख कलामी जब होती है तो भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए प्यार और मोहब्बत के साथ जो भी आपका मुश्किल वक्त है वो गुजार लें। सूरज और चांद ग्रहण के जो बद असरात हैं उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि सदका दें, जितना भी हस्ब तौफीक हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं शर्त, जो भी आपसे हो सकता है किसी गरीब की मदद कर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल के निशान को भी दबाएं, ताकि हम आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपके किसी दोस्त का, आपके किसी अजीज़ अकारिब का कोई बुर्ज है, आप उसको मदद करना चाहते हैं तो उसको ये शेयर भी करें वीडियो, जो उसका बुर्ज है, जो उसका स्टार है उसके मुताबिक, ताकि वो भी इस तारीखों से, अच्छी जो तारीखें हैं उनसे वो फ़ायदा उठा सके, और जो आजमाइश की मुश्किल तारीखें उनमें वो एहतियात कर सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।